अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं IADC रिग पास का, तो ये टॉपिक है मैरीन डेब्रिज के, समुद्री जो गंदगी है, आलूदगी है। और यहाँ पर डेब्रिज से मुराद हम मलबे की लेंगे, जो भी वेस्ट, ठीक है, वहाँ पर जिस तरह आप इन दो पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं, टायर्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो कि समुद्री आलूदगी का भी, कंटेमिनेशन का भी बायस बनती हैं। अब इसमें क्या किस किस तरह की होती हैं वो देखते हैं। टाइप्स जो हैं मैरीन डेब्रिज की, उसमें प्लास्टिक, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें, वो वहाँ पे जितने भी लोग रिग वगैरह पे हैं, उसके अलावा माहिगीर वगैरह आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें इस तरह की छोड़ के चले जाते हैं। ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, स्टेरोफॉर्म हो सकता है। स्टेरोफॉर्म बेसिकली एक हल्की किस्म के प्लास्टिक को बोला जाता है। एंड रबर, रबर के टायर वगैरह, या रबर से अलावा, रबर के टायर के अलावा और भी ऐसी चीज़ें जो रबर से मिलके बनती हैं, तो वो वहीं पे उसकी मैरीन डेब्रिज के तौर पर, वहीं मैरीन में उसके साइल पे ही छोड़ के चले जाते हैं। डेरेलिक्ट फिशिंग गेयर, ये क्या होता है कि जी आपका जो फिशिंग गेयर, बेसिकली जो फिशिंग वगैरह करते हैं, तो उस दौरान जो माहिगीरी मुख्तलिफ दंदान होते हैं, मुख्तलिफ उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके पार्ट्स को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, जिसमें डेरेलिक्ट वेसल्स भी उसी में कंसिडर होंगी। ये बेसिकली फिशिंग के, माहिगीरी के अमल के दौरान इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है, जिसके पार्ट्स को जब वो यूजेज खत्म हो जाता है तो उसको वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। अपना काम उनका मुकम्मल हो गया तो इसके नतीजे में वो, ये जो वेस्ट होता है, ये डेब्रिज जो होते हैं, ये वहीं पर छोड़कर निकल जाते हैं। मैरीन डेब्रिज सोर्सेज, ओशन बेस्ड फिशिंग बोट्स। अब वजूहात क्या हैं? पहली बात, फिशिंग बोट्स जो माहिगीर आते हैं, उनकी जो माहिगीरी के दौरान, माहिगीरी जब वो कर होते हैं, तो इस दौरान इस्तेमाल होने वाली जितनी भी बोट्स हैं, किश्तियां हैं, तो उनसे ये मटेरियल, उनसे ये डेब्रिज, उनसे ये वेस्ट वहां पर पहुंचता है। या स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म क्या होगा, इसी तरह जैसा रिग है आपका, रिग प्लेटफॉर्म है, इसके बहुत सारा जो डेब्रिज होगा उसको इधर फेंक दिया जाता है। और तीसरी चीज, कार्गो शिप्स, कार्गो शिप्स काफी ट्रेवल करके आ रहे होते हैं, काफी लंबे रास्तों से आ रहे होते हैं, तो इस दौरान उनसे भी जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उनके अंदर, या वो जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी इसके यहीं पे लाकर डंप कर देते हैं, यहीं पर फेंक के चले जाते हैं, उसको साथ कैरी नहीं करते कि किसी ऐसी जगह पे जाके उसको वो वेस्ट को मैनेज करें, बजाय इसके कि वो उसको वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोर्सेज लैंड बेस्ड। अब वो तो हो गए जो समुद्री थे, अब लैंड बेस्ड, लैंड बेस्ड में लिटर कैंप वगैरह होते हैं, छोटे मोटे लगाए होते हैं लोगों ने साइल की तरफ जाने, वो स्ट्रॉम्स से, तो तूफान वगैरह से बहुत सारी चीजें आके इधर, नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो तूफान हो सकते हैं, बड़े बड़े सैलाब हो सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों से मटीरियल जो है वो आ सकता है और यहाँ पर मैरीन डेब्रिज में इजाफे का सबब बन सकता है। रिपोर्टिंग, एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिपोर्ट करे कि कूड़ा क्रिकेट वहां पे पड़ा हुआ है या डेब्रिज पड़ा हुआ है, ताकि जो हाउसकीपिंग वाले हैं, जिस जो आपके क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, वो आके उसको क्लियर करें वहां से, ठीक है, ताकि आपका जो साइल है उसके ऊपर या समुद्री आलूदगी का सबब ये चीजें ना बने। और रिपोर्ट करने के लिए बाकायदा तौर पर रेगुलेशंस मौजूद हैं, जिस रिडोर 1995 जो कि अमेंड हुआ 2013 में। तो आपने कोई भी ऐसी चीज जब देखनी है डेब्रिज के हवाले से, तो आप रेलेवेंट को, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है या वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, आप रेलेवेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि वो आके इसकी सफाई सुथराई करें, ताकि अब तक तो ये मैरीन डेब्रिज जो है ये उसके साइल पे मौजूद है, अगर यही चीज आगे चलते चलते समुन्द्र में दाखिल होगी, समुन्द्र के पानी में चलेगी, तो बहुत सारी चीजें इसमें से ऐसी हैं जो कि मोस्टली जो क्या करेंगी कि समुद्री आलूदगी का सबब बनेंगी, वो मैरीन कंटेमिनेशन का सबब बनेंगी, जिससे आपकी एक्वेटिक लाइफ, जो आबी हयात है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस वाटर के अंदर, वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं।
आज के मैरीन डेब्रिस आईएडीसी रिग पास कोर्स के इस लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत जल्द इससे अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।